कब से ढूंढ रही हूँ इसको, कहाँ मर गया ये, एक बार मिल जाए फिर बताती हूँ उसको, मिलने तो दो। अरे विश्वा, मुखिया जी को देखा क्या? मुखिया जी को? अरे कब से ढूंढ रही हूँ, सब जगह देख लिया, नहीं गांव के बाहर कहाँ जाएंगे, मुखिया है गांव के। मुखिया होंगे गांव के, लेकिन घर पे बता के जाना चाहिए ना कि कहाँ जा रहे, समझ में नहीं आता, मिले तो बताना। ठीक है, एक जगह और बची है जहाँ से पता लग सकता है। कस्तूरी, ए कस्तूरी, तेरे चाचा को देखा क्या? चाचा को क्या, मैंने अपने पल्लू से बांध के रखा है। अरे ऐसे कैसे बोल रही हो, तो क्या करूं? चाचा जी को तुमने जरूर कुछ कहा होगा, इसलिए तो वो भाग गए। कोई नहीं, कभी तो घर आएंगे फिर बताते उसको, आने तो दे, भाग कर जाएगा कहाँ। पर आखिर चाचा जी कहाँ गए होंगे, उन्हें जाके बताती हूँ। चाचा जी क्या है चाचा जी? अरे तुम ही आ गए, अपने हाथ में रहना, हाथ नहीं लगाना मुझे, इधर हट। अभी तो मैं जवान। अरे चाचा जी कपड़े तो ठीक से पहन लो। क्या कहा? तुम यहाँ क्यों आई? ये क्या है चाचा जी, ये क्या हाल बना रखा है, इस उम्र में ये सब अच्छा लगता है? ये क्या बोल रही हो, पूरे गांव में मुझसे कोई नहीं, अगर मैं थोड़ी सी पी ली तो कौन सा पार टूट पड़ा है? थोड़ा सा पिया है, सुबह से आपके सर पे काल मंडरा रहा है, जरा आप चाची के बारे में सोचिए। चाची, ओ कान खोल के सुनो, आज के बाद मुझे बिना बताए कहीं गए ना, या मैं लालू पी के आए ना, छोड़ूंगी नहीं, समझ में आया? माधव, है माधव। अरे राजू, माधव घर पे नहीं है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे किसी की धुलाई करनी है, बुलाओ उसे। क्या पूरे गांव का ठेका ले रखा है? मुझे छोड़ दो। पैसे मांगने का बड़ा शौक है ना तुझको, घर की चौखट पे पैसे लेने बार बार आएगा? नहीं, नहीं, अब मैं देख रहा हूँ कैसे आता है। अगली बार तुझको जान से मार दूंगा मैं, समझ में आया तुझको? चुप क्यों है तू, बोल मांगेगा? नहीं, नहीं, नहीं। कस्तूरी के चाचा ने इसे कस्तूरी का फ्रेंड बना के मिलवाया है, इसमें इसकी क्या गलती है? इसे क्यों मार रहे हो? अगर ये कस्तूरी का फ्रेंड नहीं है तो कस्तूरी के चाचा से जाके पूछो ये माजरा क्या है। तुम जाओ यहाँ से भाई, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, या तो कस्तूरी से ही जाके पूछ लो। खड़े हो जाओ, आखिर ये सब क्या है?
तुम यही सब करने यहाँ आते हो क्या? क्लास में बैठ के ऐसी हरकतें कर रहे हो, शर्म नहीं आती? यही सब करके अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे? इतनी छोटी सी उम्र में सब कहाँ से सीखा? गेट आउट, आउट। ए, पढ़ाई पे ध्यान दो तुम सब। अरे कादिर, ये तूने क्या किया? ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने जो किया कुछ गलत नहीं था। मेरा जो मन करता है मैं वही करता हूँ। मुझे जो पसंद आता है उसे किसी भी हालत में हासिल किए बिना चैन से नहीं बैठता, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद को पार करना पड़े। समझ में आया? कस्तूरी, अरे ओ कस्तूरी, नहा लिया? तुम्हें मंदिर जाना है ना? हाँ माँ, बस जा रही हूँ। माधव, कहीं बाहर जा रही हो? मैं मंदिर जा रही हूँ। आओ बैठो, मैं तुमको छोड़ देता हूँ। माधव तुम भी चलो ना। तुम चलो, मैं आता हूँ। माधव, माधव जरा सुनो तो। नमस्कार, और सब ठीक है ना? माता की कृपा है और तुम्हारी दुआ से सब ठीक है। मेरे काम का क्या हुआ? ओ हाँ, हाँ हो जाएगा। जरा देखना, मैंने बोला था ना कॉलेज में कॉरेस्पॉन्डेंस का एडमिशन हो जाएगा। अरे चिंता मत करो, मैं कर दूंगा, हम पे भरोसा रखो। जल्दी हो जाएगा तो अच्छा। अरे मैं कर दूंगा, कहा ना तुमको, चिंता ना करो, मैं कर दूंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। माधव, कैसी जरूरी बात थी कि दर्शन करने भी नहीं आए तुम? नहीं कस्तूरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी मैंने कभी मदद की थी इसलिए वो धन्यवाद करने आया था मुझे। हाँ हाँ, जैसे पूरे गांव का ठेका तुमने ही ले रखा है। अरे गांव में कुछ परेशानी होगी तो मुझको ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मुझे करना पड़ता है। ठीक है। मानो तुम्हारे जैसे बड़े दिल वाला हर गांव में होना चाहिए। कैसे हो मोती? अब लगने लगा है कि गांव में डॉक्टर होना ही चाहिए। देखो भाई, डॉक्टर की जरूरत तो गांव में भी है। 10 किलोमीटर दूर दवा खाना यहाँ होना चाहिए ना? देखो गांव में कब डॉक्टर आते हैं, जाने हमारा भाग्य कब। साबुन की टिक्की देना। क्या रे सिल्वा, तूने लड़का देखने के लिए बोला था, उसके बाद तूने कोई बात ही नहीं बताई। क्या हुआ भला? क्या हुआ बोलो? कैसे आदमी हो तुम? मैंने कस्तूरी के लिए कितने अच्छे रिश्ते देखे थे, लेकिन तुम ऐसे भाई हो कि उसकी चिंता ही नहीं करते हो। बात करनी तो थी, मैं आपसे बात नहीं कर पाया, पर घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए बात आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई, मुझसे गलती हो गई। तुमको बोलना चाहिए था ना, कुछ उपाय किया जाता, अब रिश्ता ढूंढने में मुश्किल होगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा भाई, चलता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। जी आज मैं हर हाल में जीत के ही रहूंगा, देख लेना तुम लोग। मैं ऐसे पासे फेंकूंगा, देख सिर्फ जीत मेरी ही होगी। डाल डाल, ये लो। ये तो मेरा दाव। ए कादिर, मैंने सुना तूने कॉलेज में कुछ किया। हाँ तो क्या तुझे पूरी बात बताऊं? तू खेल, ए तुझे क्या करना है, वो कुछ भी करे। कादिर तुम जाओ, जाने दो उसको रे। हाँ हाँ जा। तुम लोग को पता नहीं है उसने कॉलेज में क्या किया? कॉलेज की लड़कियाँ तो ठीक थी, इसने टीचर को भी नहीं छोड़ा। क्या ऐसा किया? हारे भाई, इसने टीचर की गंदी तस्वीर बनाई थी, मैडम ने जब चेक किया तो ये पकड़ा गया और पूरे क्लास में इसकी बदनामी हुई, फिर टीचर ने इसको भगा दिया। कस्तूरी, ए कस्तूरी। हाँ, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? कॉलेज की बात छोड़ दो, तुम ऊपर क्या कर रही थी? दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हें इस उम्र में अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है ना? वैसे मैं ऊपर से मटका उतार रही थी, बहुत ऊंचा है, उतर ही नहीं रहा। साइड हो जाओ, मैं देखता हूँ।
तुम ऊपर चढ़ो, मैं तुम्हें उठाता हूँ। ठीक है। तुम नहीं होते तो मैं कैसे उतार पाती। चलो बाहर चलो। मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो देखो इसे क्या हुआ, ये बात नहीं कर रहा है, बचा लो इसे, बचा लो। गांव में आजकल आए दिन होता है, इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए हम लोग को। बस अब बहुत हो गया, पूरे गांव को मिलकर इस बार हमें फैसला लेना ही होगा। कोई बीमार रहता है तो कोई मर जाता है, गांव में सबकी हालत खराब रहती है। रहने दो, इसकी क्या जरूरत है, एक ही तो मौत हुई है गांव में, ऐसा कोई पहाड़ थोड़ी टूट गया। ए बाला, क्या बोल रहा है तू, और क्या? चुप हो जा बिल्कुल। गांव में एक जान जाए या ज्यादा, बात तो एक ही है ना। सही कहा, इसीलिए पंचायत का फैसला सर्वमान्य होगा। इसीलिए कुछ फैसला तो। ए, ज्यादा बहस मत करो, एक एक करके बोलो, उसके बाद फैसला लेते हैं। देखिए, हम लोगों को शहर से कोई डॉक्टर बुला लेना चाहिए अपने गांव में। हाँ मुखिया जी, सबसे पहले शहर से हमें डॉक्टर का इंतजाम करना चाहिए। हर बार गांव से दूर जाके दवा खाने में इलाज कराना नामुमकिन है। बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमारे गांव में दवा खाना होना ही चाहिए, इस समस्या का यही इलाज है, समझे आप लोग। हाँ, हमारे गांव में भी दवा खाना होना चाहिए। आप सब सही कह रहे हैं, गांव में डॉक्टर होना चाहिए, इतने किलोमीटर इलाज कराने कौन जाएगा। कलेक्टर साहब से कह के गांव में डॉक्टर बुलाना चाहिए हम लोग। तो ये तय रहा कि सब मिलकर कलेक्टर के पास जाएंगे और उनसे गांव में डॉक्टर लाने की बात करेंगे। अगर लेडी डॉक्टर आ गई तो सब लोग बीमार पड़ जाएंगे। ए, बकवास बंद कर। जैसे मेरी सारी खुशियाँ आपकी है, वैसे आप सबकी परेशानी मेरी है। लगता है अभी नशा उतरा नहीं है। चुप है, फालतू बातें नहीं करते यहाँ पे। मखिया जी, फालतू लोग फालतू बात करेंगे, और क्या आशा करेंगे इनसे। ये सब बातें बंद करो, तो चल के कलेक्टर से डॉक्टर के लिए बात करते हैं। डॉक्टर को गाँव में लाना तो ठीक है, पर उसमें कुछ खर्चा भी आएगा, वो कहाँ से करेंगे। क्या बात कर रहे हो विश्वा, माना कि डॉक्टर आजकल पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनमें सेवा भाव होता है, हमें ऐसे ही डॉक्टर को गांव में लेके आना। बड़ी बड़ी बातें बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, पूरे गांव को बेवकूफ समझ के रखा है क्या। बकवास कर रहे हो, क्या फालतू शुरू हो शांत हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे, शांत रहो। तुम सब लोग ध्यान से सुनो, इस गांव में डॉक्टर पक्का आएगा। इसके ऊपर माधव, तुझे और कुछ कहना है। ठीक है, हम सब लोग मिलकर कलेक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर के लिए कहेंगे, अगर पैसों की बात होगी तो हम लोग इंतजाम करके दे देंगे उनको। ठीक है, अपनी तरफ से पैसा इकट्ठा करें, बाकी जो बचेगा उसके लिए मैं तैयार हूँ, सब मिल के खर्च उठाएंगे। सब लोग तैयार है ना। ये सब कहाँ चले, अरे इन सब की ऐसी है, इनसे कुछ नहीं होगा, जैसा हम सब आपके साथ हैं, हम आप जैसा कहेंगे। ए बाला, कल जो मटन दिया था ना, वो ताजा नहीं था। क्या करूं, धंधा ही कुछ ऐसा चल रहा है आजकल, सब्जी कितनी महंगी हो गई है, आगे ऐसा मत देना। ठीक है ठीक है, सब्जी नहीं भी सोना चाहते हैं। कस्तूरी, ए कस्तूरी, ए सुन लो, सुन तो सही ना। देखो, तुम मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, मुझसे दूर रहो। क्यों, मुझमें कहीं कांटे लगे हैं क्या? पूरे गांव में तुम सबसे हंस के बात करती हो, सिवाय मेरे। उस दिन पंचायत में तेरे भाई ने मुझसे जैसे बात करी, उसको समझा दो मेरे से ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है, अगर वो मेरे मुंह लगा तो अच्छा नहीं होगा। सुन लो कान खोल के, अगली बार ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा, समझा देना अपने भाई को। तुम धमकी किसे दे रहे हो,
धमकी नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ तुम्हें। बड़ा आया, तुमने और तुम्हारे भाई ने पंगे लेने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ, आज के बाद तुमने और तुम्हारे भाई ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो तुम्हें उसको और किसी को नहीं छोड़ूंगा। अपने दिमाग में बात बैठा लेना अच्छे से। ए, चल हट, चलो यहाँ से। जा जा, देख लूंगा तुझे भी। ये लो कस्तूरी पानी पी लो। तुम्हें नहीं लगता जो कुछ हुआ उस बारे में किसी को बताना चाहिए? मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया उसकी धमकियाँ सुन के। मुझे तो लगता है तुम्हें चाचा या माधव को इस बारे में बताना चाहिए। अरे नहीं नहीं, वो तो पागल है। माधव को इस बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, अगर उसे पता चला ना तो लड़ाई होने जाएगी। पता होगी तो भी माधव को किसी न किसी तरीके से पता चल ही जाएगा। आओ माधव बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं। कुसुरी, बाला ने तुझे कुछ भी बोला तो मुझे बताना चाहिए था ना, क्यों नहीं बताया मुझको? छोड़ो ना माधव, अब जो होना था वो हो गया ना। तुम्हें तो पता है ना, वो जब भी मिलता है बकवास ही करता है, किसी को कुछ भी बोल देता है। ये देखो कादिर भी यहाँ आ गया। कैसे हो कादिर? मैंने सुना कस्तूरी के साथ बाला ने कुछ बदतमीजी की तो मैं चला आया। तुम चिंता मत करो, कादिर को ट्यूशन जाना है, मैं इसके साथ चली जाऊंगी। तुम लोग ध्यान से जाना। सुनो कस्तूरी, आज के बाद तुमको किसी ने कुछ बोला ना, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब गुस्सा थूक दो माधव, जाओ तुम। चलता हूँ। अच्छा सुनो, मैं चलती हूँ, मैं चलती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है। अच्छी चलनी भी चाहिए। ये मौका अच्छा मिला है, अभी बताता हूँ। काकी, अरे ये काकी, अरे काकी मेरी बात तो सुनो। तुमने जो कस्तूरी के साथ बदतमीजी की उसके बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। आपने सिर्फ कस्तूरी की बात सुनी, मैं तो रिश्ते की बात करना चाह रहा था। छे हट यहाँ से, बड़ा आया रिश्ते की बात करने वाला, इससे तो अच्छा मेरी बेटी घर में बैठी रहे। मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा ना हो कि वो किसी और के साथ भाग जाए। बचाओ बचाओ इसको, बचाओ नहीं तो ये डूब जाएगा। बचाओ 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 इसको, बचाओ जल्दी। अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ, चलाओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे जल्दी बचाओ, जल्दी मर जाएगा, बच्चा मर जाएगा, बच्चा मर जाएगा। अरे कोई आओ, कोई आओ, जल्दी आओ, कोई आओ, मदद करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। अच्छा आपको किसी से मिलना है क्या? हाँ मैं मिलने ही आया था किसी से, कोई माधव जी है यहाँ पे। माधव? ओ तो आप ही हैं, शहर से यहाँ व्यापार करने आए हैं? व्यापार? हेलो, आई एम अ डॉक्टर। डॉक्टर? ओहो सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, अब तो बता दो। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको मिलवाती हूँ। अच्छा आपने मुझसे कहा कि आप एक डॉक्टर हैं, और डॉक्टर के पास तो स्टेथोस्कोप होता है, वाइट कोट होता है। डॉक्टर होने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। मैं भी ना कैसी बातें करने लगी, चलिए बस आ गई है। सुनो ना, मुझे माधव नाम के व्यक्ति से भी मिलना है। ओ, उन्होंने अपॉइंटमेंट करवाया। मुझे माधव ने बताया कि आप हमारे गांव में आने वाले हो। हमारे पूरे गांव की देखभाल माधव ही करता है, बहुत अच्छा है वो। चलिए मिलते हैं उसे। ये देखिए, ये माधव का घर है। अच्छा। माधव, माधव। अरे कस्तूरी कैसी हो, यहाँ कैसे आना हुआ? माधव अंदर नहा रहा है, और ये कौन है? काकी ऐसा वैसा कुछ मत बोलिए, हमारे गांव वालों के लिए यहाँ आए हैं, एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर? ओ ये वो है क्या? यही मैं समझा रही थी, अब जल्दी से माधव को बुलाइए। माधव? अरे ओ माधव। आया माँ। हाँ क्या है कस्तूरी? माधव कौन है ये? ये वही डॉक्टर हैं जिसके लिए गांव वालों ने अर्जी दी थी। ओ डॉक्टर अरविंद, स्वागत है जी। आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? आप ऐसे भीगे हुए क्यों लग रहे हैं?
वो क्या मैं बताती हूँ। वो क्या है ना माधव, इन्होंने जैसे ही हमारे गांव में कदम रखा ना, नदी में डूबते हुए बच्चे की जान बचाई। ये बहुत ही अच्छे इंसान है। पहले आपके रुकने की व्यवस्था करता हूँ। कस्तूरी इनको अंदर लेके जाओ। ठीक है माधव, आइए। हाँ हाँ, ध्यान से जाना। ये बताओ ये डॉक्टर क्या हमारे घर में ही रहेगा क्या? कैसी बात करती हो माँ, चलो अंदर चलो। ए सिल्वा, जरा यहाँ आना। माँ क्या हुआ? वसंत का महीना आ गया है, मुझे तो बहुत चिंता सता रही है। चिंता? किस बात की चिंता माँ? बात ये है, घर में जवान कुंवारी बेटी है। गांव वाले बहुत सवाल करते हैं, क्या करूं? अब तो मुझसे जवाब भी नहीं दिया जाता, मैं कब तक सवालों का जवाब देती रहूं? माँ मुझे भी कस्तूरी की शादी की बहुत चिंता है। मुझसे भी लोग सवाल करते हैं कि शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। मैं भी कोशिश कर ही रहा हूँ। कस्तूरी की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, चिंता मत करो। मेरी इतनी चिंता मत करो, माँ ने सब बताया। सुन रहे हो ना, मेरी शादी की चिंता मत करो तुम। मुझे तो आप दोनों के साथ ही रहना है। साथ में जैसे खाना खाते हैं, हमारे प्यारे प्यारे झगड़े होते हैं, ये सब छोड़ के मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? वसंत ऋतु आ गया है मुझे पता है, और आप लोगों को मेरी शादी की चिंता हो रही है ये भी पता है मुझे। पर शादी जब होनी होगी हो जाएगी। पिता के जाने के बाद भाई के कंधे पे ही जिम्मेदारी होती है। मैंने तुम्हें एक भाई की तरह नहीं, एक पिता की तरह प्यार दिया है, और करता आया हूँ, करता रहूंगा। तुम्हारी शादी की चिंता होना तो स्वाभाविक बात है, और वो मुझे करना ही है। डॉक्टर जी, गांव कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। नमस्कार चाचा। हाँ हाँ, सच में बहुत अच्छा लगा। गांव की शुद्ध हवा पानी मुझको बहुत अच्छी लगती है। सही कह रहे हो डॉक्टर साहब, गांव में रहने का यही तो मजा है, शुद्ध हवा पानी और मिलनसार लोग। जी बिल्कुल। अच्छा बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? पूछिए ना। तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? ऐसे ही मन में आया तो पूछ लिया मैंने। माँ तो बचपन में ही गुजर गई, और मेरे पिताजी भी कुछ साल पहले छोड़कर चले गए। डॉक्टर अब इस गांव को अपना ही समझो, हम भी तो आपके परिवार है ना। सही कहा ना हमने? बहुत बहुत धन्यवाद। आओ। अरे वाह कस्तूरी, यहाँ कहाँ से आ रही है? वो मैं भैया के लिए खाना लेके आई थी। डॉक्टर ये पूरे गाँव की लाडली है कस्तूरी, बच्चों को पढ़ने के लिए कहती है ताकि वो भी अच्छा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा सके। सच में? अभी तो आपकी पहचान हुई है, आप भी समझ जाओगे इसको। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ, ठीक है ना? ठीक है। अरे लक्ष्मी, तुमने सुना गांव में जो डॉक्टर आया उसके बारे में? हाँ मैंने भी सुना है। अच्छा हुआ ना गांव में डॉक्टर आ गया, अब किसी के इलाज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल सही कहा, समय पर इलाज ना होने से गांव में कितनों की जान जा चुकी है। पैर से आया है तो अच्छा ही डॉक्टर होगा ना। हाँ बस ये डॉक्टर सबका इलाज अच्छे से करे। ए कमला जल्दी आओ। हाँ हाँ आ रही हूँ। अच्छा तुम लोगों को एक बात बतानी है, घर में मेरी शादी की बात चल रही है। उसमें कौन सी नई बात है? मेरे लिए तो ये नई बात है। हाँ और क्या, लड़कियाँ बड़ी नहीं हुई कि परिवार वाले उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं। और क्या, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, शादी नहीं हो गई जैसे कोई काम हो गया, जो बोझ की तरह उन्हें सताता रहता है। हमारा समाज ही ऐसा है। हम क्या चाहते हैं, हमसे तो कोई पूछता ही नहीं, बस किसी से भी शादी करा देंगे और पूरा जीवन। अब यही समाज का प्रचलन है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। एक बार रिश्ता पक्का हो गया उसके बाद मेरी शादी तो तय है, पता नहीं आगे क्या होगा। हमने तो बचपन से यही सीखा है ना कि माँ बाप हमारी शादी तय करेंगे और हमें अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारनी होगी।
ये दवाई 7 दिन लेनी है आपको, दिन में 2 बार, इससे आप ठीक हो जाएंगी। मैंने दवाई दे दी है, चिंता मत करिए। हाँ ठीक है, चलता हूँ। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, क्या बात है बताइए। देखो, मुझे पता चला तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, ये दवाई ले लो, उनको खिलाती रहना और उनको आराम करने को कहना, कल चेक करने आ जाऊंगा। ठीक है, चलो। कृपा शंकर, सिल्वा आजकल बहुत परेशान रहता है। हमें क्या लेना देना है, होगी कोई घर की परेशानियाँ, कोई खेती बाड़ी की चिंता? ओ माधव, मैं वो मुथू के घर जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है मुझको उससे। ऐसा क्या, तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है। उसको पैसे उधार दिए थे मैंने, आज वो लौटाने वाला है। क्या माधव, तुम तो हमेशा पैसे लेन देन की बातें करते रहते हो। हाँ तो जैसे तुम पैसे छोड़ ही देते। अरे भाई, तुम्हारे जैसा तो नहीं हूँ ना, तुम तो सिर्फ कस्तूरी और उसके परिवार के लिए खाली रहते हो। क्यों नहीं, प्यार जो है उसके साथ नहीं रहेगा तो किसके साथ रहेगा, गलत तो नहीं। प्रॉब्लम है। हाँ, ये हुई ना बात, कस्तूरी के बारे में जल्द से जल्द सोच लो। हाँ, पैसा तो आता है जाता है, पैसों का लेन देन तो चलता रहेगा। हाँ, अब सोचो इस बारे में, कहीं ऐसा ना हो मुत्तू के चक्कर में कस्तूरी हाथ से निकल जाए, समझे क्या? जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ए कादिर। हाँ कस्तूरी। पढ़ाई कर रहे हो क्या? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। कादिर, पढ़ने आए हो क्या? हाँ भैया। कस्तूरी किधर है? अंदर है। बुलाना तो। हाँ कस्तूरी, तुम्हें भैया बुला रहे हैं। माधव, तुम यहाँ पे? मैं बाजार जा रहा था, सोचा तुमसे भी पूछ लूँ। क्या पूछ लूँ, किस बारे में? तुम्हें साड़ी लेनी थी ना। आपको तो सब याद है, माँ घर पे नहीं है, मैं ताला लगा के आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। चलो माधव। तुम्हें भी जाना है? हाँ माधव, इसलिए ले लो। चला जा। नीचे उतरो। किसलिए? मैं बताता हूँ। दोनों तरफ पैर करके बैठ। हाँ? बैठो। कस्तूरी, ये दुकान सबसे अच्छी है, जो भी चाहिए मिल जाएगा। ठीक है माधव। माधव, ये कैसी लग रही है? हाँ बहुत अच्छी है, जच रही है। सुंदर लग रही है ना?
अच्छी नहीं है। माधव ये कैसी लग रही है? लाजवाब। ये कैसी है? ये भी नहीं। अच्छी नहीं है, छोड़ जाने दो। इन सब में से एक सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, मुझे तो और साड़ियाँ देखनी है। बैठ जाओ। बहन जी अच्छी साड़ियाँ दिखाइए ना। ये साड़ी ये तो बहुत ब्राइट है। पसंद नहीं है? अच्छी नहीं लग रही। तो दूसरी देख लो ना, वो ग्रीन भी है। हाँ। वो नीली वाली ये कैसी है? ये तो अच्छी लग रही है। जांच रही है? सच में? बहुत अच्छी है, तुम पे अच्छी लगेगी। सच में अच्छी लग रही है ना? अच्छी नहीं है। माधव ये पिंक कलर अच्छी लग रही है ना, ले लूँ मैं? बहुत ही सुंदर है। कादिर तुम्हें कैसी लग रही है? इसको क्या पता, तुम इतना सोचो मत। तुम्हें अच्छा लगा ना, ले लो इसको, पैक करवा दीजिए इसको। ठीक है माधव। माधव मैंने अपने लिए साड़ी खरीद ली, अब मुझे तुम्हारे लिए ना शर्ट खरीदनी है। मेरे लिए? ठीक है। दीदी इनके साइज की शर्ट दिखाइए। ये कैसी लग रही है कादिर? मुझसे क्यों पूछ रही हो? पसंद तो मेरी ही होगी। माधव ये तुम्हारे लिए और ये डॉक्टर के लिए। डॉक्टर ने घर पे आके माँ का इलाज किया, इसलिए मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उनके लिए शर्ट खरीदी।